आज जो तहसील में धंधा प्रदर्शन कर रहे हो, किन मांगों को लेकर कर रहे हो? देखिए, हमने पूर्व में अभी कंबल वितरित के लिए वो कहा था कि हमारे दिव्यांगजन बहुत पिछड़े हुए हैं, तो एडीएम मोदी के नाम से क्या नाम है, हमारे दिव्यांगजनों को कंबल दिए जाएं और हमारे जो ई रिक्शा दिव्यांग चलाते हैं, जो अपना रोज़गार करते हैं, तो उनको परमिट दिया जाए जिससे रोज़गार कर सकें, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है जो और वो रिक्शा ले लें। और दूसरी चीज़ ये, हमारे दिव्यांगजनों की पेंशन रुकी पड़ी है, जो विधवा हैं, 60 साल आए हैं, और दिव्यांगजन है जिसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो सप्लाई विभाग में भी दिव्यांगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर हमारे दिव्यांगजनों की पेंशन रुकी है तो सप्लाई विभाग के माध्यम से रुकी हुई है, वही दोषी हैं दिव्यांगजनों के। तो एक साल में या 3 महीने में दिव्यांग अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं, वो भी पेंशन नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं राशन विभाग की तरफ से ये लापरवाही है जिससे दिव्यांगजन अपनी पेंशन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को ठंडे बस्ते में क्यों रखा जा रहा है, हमारी मांगें क्यों नहीं क्या नाम है पूरी करी जा रही हैं। अब हम बहुत जल्दी धरने पे भी बैठेंगे और लखनऊ कूच करेंगे। कम से कम 5,000 दिव्यांग लेके यहाँ से लखनऊ हम जाने वाले हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब को हम अपना ज्ञापन देंगे कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इसी विषय में हम लखनऊ भी जाने वाले हैं, अगर हमारी मांगें इसी लेटर पैड पर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो। जय हिंद, जय भारत।